फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे फेसबुक लैंग्वेज एंड रीजन सेटिंग्स। दोस्तों, फेसबुक में किस तरीके से आप इन सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे। इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑर्गेनिक लेवल और पेड लेवल दोनों ही तरीके से आपको काम आएगा, इसलिए ये सेटिंग्स करना अच्छे से सीखें और इसका क्या यूज है, क्या काम है, वो सब आप जानोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। इसी की तरह अगर गूगल, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, SEO, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जैसे आप अमेजिंग कोर्सेज सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से फ्री सीख सकते हो, बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 50 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज हैं, 1400 के अराउंड लेटेस्ट वीडियोज़ हैं और आने वाले एक साल के अंदर 1000 वीडियोज़, 30-35 नए कोर्सेज और ला रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको फेसबुक सेटिंग्स में बताएंगे लैंग्वेज एंड रीजन सेटिंग्स के बारे में। तो आप पहले अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करके सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में क्लिक कीजिए। फिर सेटिंग्स में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई सेटिंग्स दिखाई देंगी, तो इसमें से आपको लैंग्वेज एंड रीजन में जाना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है फेसबुक लैंग्वेज। मान लीजिए आप कंफर्टेबल हो हिंदी लैंग्वेज में और यहाँ पर सब इंग्लिश में लिखा आ रहा है, तो अगर आपको चेंज करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर जैसे आप हिंदी पे क्लिक करके सेव चेंजेस करोगे तो ये सब कुछ बदल जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज में जो इसमें अवेलेबल है ऑप्शन उसमें कर सकते हो। अब वापस हम इसको बदल देते हैं, इंग्लिश UK कर देते हैं और ये हो गया हमारा इंग्लिश। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, अपनी कम्फर्ट जोन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। रीजन फॉर्मेट का मतलब, अगर जैसे होता है ना फॉर्मेट फॉर डेट्स, टाइम्स एंड नंबर्स, तो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कौन से फॉर्मेट में डेट, टाइम, नंबर्स रखना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इंडिया, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, तो एक तो रीजन आ गया कि जैसे मतलब यूनाइटेड, UAE का टाइम और ये सब इस फॉन्ट में आ गया। ठीक है, अगर इंडिया का है तो इस फॉन्ट में आएगा, नाम्बिया का है तो इस तरीके से आएगा। जैसे हर कंट्री के हिसाब से आप देख सकते हो चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर, देख रहे हो आप। तो हम तो अपना इंडिया इंग्लिश ही रहने देंगे, ठीक है, जो हमारा है। ठीक है, अभी हमें चेंज सेव नहीं करना, जैसे एज इट इज़ हम रहने देंगे। आप अपने हिसाब से अपना रीजन, कंट्री और उसकी डेट फॉर्मेट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर वही बहुत सिंपल है, अब आपको टेम्परेचर सेल्सियस या फेरेनहाइट किस में शो करवाना है तो वो आप अपना चूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पेजेस। लैंग्वेज इनटू विच यू वुड लाइक टू हैव पोस्ट ट्रांसलेटेड, इसका मतलब कि अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो जो पोस्ट हैं या आपके पास आपके फीड में पोस्ट हैं वो किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ एडिट करके, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर हिंदी या फ्रेंच जो भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं और सेव कर दोगे तो फिर वो पोस्ट उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके आएंगी। अब हम बात करते हैं लैंग्वेजेस फॉर विच यू डू नॉट वॉन्ट टू बी ऑफर्ड ट्रांसलेशंस। अब मान लीजिए आपकी ऐसी कोई लैंग्वेज है, मान लो अगर मेरे को पंजाबी आती है और पंजाबी मेरे को बहुत इजीली समझ में आती है, सब कुछ है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर कोई पोस्ट पंजाबी में आए तो वो ट्रांसलेट ना हो। और अगर मैं अगला जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेजेस दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड, अब ट्रांसलेटेड। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कर दिया जी जर्मन लैंग्वेज है, अगर उसमें कोई पोस्ट कुछ आ रहा है कंटेंट तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट ना हो, वो जब तक मतलब मैं उसको देख ना लूँ, तो मैन्युअली अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूँ तो ट्रांसलेट करूँ, ऑटोमेटिकली ना हो। तो ये कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज की, जिसके अंदर हम को जिस लैंग्वेज में अपना कॉन्टेंट पोस्ट देखना चाहते हैं उस कॉन्टेंट लैंग्वेज में देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर को ट्रांसलेट नहीं करना चाहते, इसमें हम कंफर्टेबल हैं उसको हम ट्रांसलेट ना करें,
और जिसको हम चाहते हैं कि वो ट्रांसलेट हो बट मैनुअल हो, ऑटोमेटिकली खुद हो करना है, तो यहाँ पर तो इस तरीके से तीनों सेटिंग्स अवेलेबल हैं। मल्टीलिंगुअल पोस्ट क्या है? मल्टीलिंगुअल पोस्ट एक फीचर जो हमें मल्टीपल लैंग्वेज वर्जन्स में अपना स्टेटस दिखाते हैं। मान लो मेरे फेसबुक पे जो स्टेटस है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में लोगों को दिखे, तो वो आप ये वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोज और कोर्सेज लाएंगे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfunders.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी के संग जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें और ज्वाइन करें। वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल मार्केटिंग के रेगुलर अपडेट्स ले सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो तुरंत जाएं, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।